हाय एवरीवन, आज हम लोग प्लेन वेव्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में समझेंगे। यहाँ पर हम लोग दो इक्वेशन डिराइव करेंगे, जो कि प्लेन वेव का इक्वेशन होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर, एक मैग्नेटिक फील्ड के मीडियम पर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के मीडियम पर। देखिए, हम लोगों को मैक्सवेल इक्वेशन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, लेकिन मैक्सवेल्स इक्वेशन जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर चेंज हो जाते हैं। क्यों चेंज हो जाते हैं? डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर क्या चेंजेस आएंगे? एक तो होगा नॉन कंडक्टिंग मीडियम, अगर नॉन कंडक्टिंग है तो कंडक्टिविटी जीरो होगा, अगर कंडक्टिविटी जीरो है तो करंट डेंसिटी भी जीरो होगा, अगर करंट डेंसिटी जीरो है तो कॉरस्पॉन्डिंगली डेंसिटी भी जीरो ही होना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये तीन चेंजेस आएंगे। कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू जीरो, डेंसिटी भी जीरो होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू जीरो, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू जीरो। अगर ये तीनों को हम लोग चेंज करते हैं तो जो मैक्सवेल का चार इक्वेशन था, हम लोगों ने पहले वाले वीडियो पर पढ़ा था, है ना, उस पर देखिए, उस पर अगर आप लोग ये तीनों सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो उसी वाले इक्वेशन ये वाले इक्वेशंस बन जाते हैं, है ना, जहां पर डेल डॉट इज इक्वल टू जीरो, डेल डॉट एच इज इक्वल टू जीरो होता है। इनको मैंने वन और टू इक्वेशन नंबरिंग कर दिया। डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू ये वाला होता है, ये आप लोग इसे ना लिखकर डी वेक्टर के जगह पर एप्सिलॉन नॉट ई भी लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे यहां पर डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी बी था, बी के जगह पर आप लोग म्यू एच भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग एच वेक्टर के लिए पहले देखते हैं। देखिए, एच वेक्टर के लिए जब हम लोग करेंगे ना तो ये वाले इक्वेशन आप लोग ले लेना, और ई वेक्टर के लिए जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोग ये वाले इक्वेशन ले लेना। लेने के बाद दोनों साइड पर क्या करेंगे? कर्ल लगा देंगे, दोनों साइड पर कर्ल लगा दीजिए। यहां पर भी मैंने डेल क्रॉस लगा दिया, यहां पर भी मैंने डेल क्रॉस लगा दिया, बाकी इज द सेम है। देखिए, ये जो प्रॉपर्टी होता है डेल क्रॉस का, यानी कि कर्ल लगाने पर डबल कर्ल अगर हो जाता है, यहां पर देखिए, यहां पर भी कर्ल है, यहां पर भी कर्ल है, अगर डबल कर्ल होता है तो फर्स्ट सेमेस्टर पर आप लोगों को साइड में मिल जाता है एक प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं? सिर्फ यहां पर एच वेक्टर की जगह पर कुछ भी फैक्टर हो सकता है, जैसे कि वहां पर ई वेक्टर होगा, बस यहां पर चेंजेस कहेंगे ई वेक्टर होगा, बाकी एज दिस फॉर्मूला चेंज, मतलब क्या होगा, एग्जैक्ट होगा, ठीक है ना। यहां पर देखिए, एप्सिलॉन नॉट होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। यहां पर जो कर्ल है वो किसके साथ ऑपरेट करेंगे? ई वेक्टर के साथ ऑपरेट करेंगे, तो इसको मैंने अंदर रख दिया, ठीक है ना, एप्सिलॉन को मैंने बाहर रख दिया है। देखिए, यहां पर डेल डॉट एच मतलब क्या है? डेल डॉट एच मतलब जीरो, मैक्सवेल इक्वेशन से जीरो पुट कर देते हैं। डेल डॉट डेल मतलब क्या है? डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन को मैंने बाहर रख दिया है। डेल क्रॉस ई मतलब फिर से मैक्सवेल इक्वेशन का इस्तेमाल कीजिए, माइनस डेल बाय डेल टी म्यू एच, माइनस डेल बाय डेल टी म्यू एच, है ना। देखिए, अब म्यू फिर से कॉन्स्टेंट है, म्यू को मैंने बाहर रख दिया। ये जो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएंगे, डेल्टी 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 स्क्वायर हो जाएंगे, ये किसके साथ ऑपरेट करेंगे? सिर्फ एच के साथ ऑपरेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाले बन गया, ये इस मैंने कुछ नहीं किया, बस नेगेटिव नेगेटिव को हटा के मैंने इस वाले टर्म को इस साइड पर लिया है। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या? प्लेन वेव प्रोपेगेशन इन एच वेक्टर, ठीक है ना। यहाँ पर म्यू एप्सिलॉन की जगह पर आप लोग वन बाई वी स्क्वायर भी लिख सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जब वी मतलब क्या है? वेलोसिटी होता है इस प्लेन वेव का। नेक्स्ट हम लोग ई वेक्टर के लिए मैंने क्या कहा था? ये वाले इक्वेशन लेंगे, इस वाले इक्वेशन को लेकर मैंने कर्ल लगा दिया दोनों साइड पर। जैसे ही कर्ल लगाएंगे, ये वाला ऑपरेटर है, फर्स्ट सेमेस्टर पे आप लोगों को मिला था, वहां पर मैंने क्या किया? म्यू को मैंने बाहर रख दिया है, डेल क्रॉस को मैंने एच वेक्टर के साथ ऑपरेट करवा दिया है। डेल डॉट ई मतलब क्या है? जीरो है, तो डेल डॉट ई जीरो, ये टर्म पूरा जीरो हो जाएंगे, मैंने लिखा ही नहीं। डेल डॉट डेल डेल स्क्वायर हो जाएंगे, म्यू को मैंने बाहर रखा है। डेल क्रॉस एच मतलब क्या है? डेल क्रॉस एच मतलब डेल बाय डेल टी एप्सिलॉन टी, डेल बाय डेल टी एप्सिलॉन टी। तो ये सब कुछ आप लोग कर सकते हो, खुद स्मार्ट हो, ठीक है ना। तो ये वाले हो जाते हैं प्लेन वेव प्रोपेगेशन इक्वेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में, डायलेक्ट्रिक मीडियम आप लोग का, ठीक है ना। अगर डायलेक्ट्रिक मीडियम से बोलता है तो आप लोग क्या करेंगे? आइसोट्रॉपिक डायलेक्ट्रिक मीडियम, तो आप लोग ये पूरा करके आना पड़ेगा। अगर सिर्फ स्पेसिफाई कर दिया गया कि सिर्फ ई वेक्टर या सिर्फ एच वेक्टर, तब आप लोग कर सकते हो एक एक करके, ठीक है ना। लेकिन ये बार आप लोग को पहले लिखना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ तक समझ के कुछ भी ज़्यादा मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।